हम झगड़ा कब करते हैं? कब नहीं झगड़ा करती हो तुम? हम झगड़ा नहीं करते हैं। तो हम झगड़ा करते हैं? हम बस अपनी बात रखते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा गया है बीपी मेरा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे ब्लॉग में। और जैसा कि सुबह हमने बताया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर भी बुलाए थे हमको, आज की डेट थी, हमको डॉक्टर के पास जाना है। तो अभी तक हस्बैंड मेरे आए नहीं थे, और हम और मेरी छोटी सिस्टर जो है, आज उनकी छुट्टी है, तो आज हम और वो जा रहे थे डॉक्टर के पास। बोले कि एक बार जीजा के पास फ़ोन करके बात कर लो, ले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। तो फिर वो बात की है, बोली है कि अभी वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, तब हम लोग निकलते हैं। तो अभी हम उनका इंतज़ार करते हैं, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम और मेरी छोटी सिस्टर जाएंगे हॉस्पिटल पे। वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है, दो बज के 10 मिनट हो गए हैं, और हम लोग डॉक्टर के पास से आ भी चुके हैं। इनका बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर ये आए थे, तब हम हमारी छोटी बहन और ये तीनों लोग गए हैं। बाकी हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, डॉक्टर क्या बोले हैं और क्या बात है। बाकी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम क्या बोले बताओ, जब तुम ही कुछ ऐसा कुछ कह ही देती हो तो हमसे मतलब हमारा कौन सुनेगा, हम कौन सफाई देगी बताओ। पर हम गलत क्या बोले हैं? कहाँ कुछ गलत तुम बोलती हो, हमको तो यही नहीं आता भाई, सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल बात शेयर करने में हमको नहीं अच्छा लगता है। तो हम क्या करें, अगर हम वीडियो भी ना बनाए तो आप ही बता दीजिए, हम करें तो करें क्या, खाली झगड़ा कराओ। हम झगड़ा कब करते हैं? कब नहीं झगड़ा करती हो तुम? हम झगड़ा नहीं करते हैं। तो हम झगड़ा करते हैं? हम बस अपनी बात रखते हैं। बाकी आपके समझने का फेरा, आप समझते ही नहीं तो हम क्या करें। हाँ भाई, हम कहाँ समझेंगे। कोई भी गलती हो तो हमारी ही है, तो भाई कहाँ हम समझेंगे। यही है, यही कि कुछ भी बात करना रहता तो बस उठ के चले जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अगर कोई सवाल भी पूछो तो उसका जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। खैर, हम बता दें कि डॉक्टर बोले क्या है। डॉक्टर बोली है 2-4 दिन का और टाइम है मेरे पास, बाकी उसको समझना है, समझे नहीं समझना है, नहीं समझे हम आपको दिखा देते हैं पर्चा। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, हम भी अभी को देख रहे हैं। यहाँ पे डेट की जगह पे नाम डाला गया है और नाम की जगह पे डेट डाला गया है, तो देख लीजिए, डेट आज का ही है, 30/6। और डॉक्टर बोले हैं मतलब चेकअप वगैरह किए हैं, अल्ट्रासाउंड तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी डेढ़ दो हफ्ते ही हुए अल्ट्रासाउंड करवाए, इसलिए अल्ट्रासाउंड अब दोबारा नहीं करवाया गया। अब बोले हैं अगर 3-4 दिन में डिलीवरी नहीं फाइनल होती है तब एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और ये जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और फिर जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, बोले कि नॉर्मल है, ये होगा। और बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो था, कितना था तनु? एक मिनट आपको दिखाते हैं कितना था बीपी। यहाँ पे लिखा गया है बीपी मेरा। बोले हैं बीपी कम है, उसके लिए दवा भी दिए हैं, ज़्यादातर बोले ORS ही घोल के पीजिए। और ये पर्चा जो है ये सरकारी हॉस्पिटल का है, सरकारी हॉस्पिटल ही हम गए थे क्योंकि हमको ज़्यादा अच्छी सुविधा होता है सरकारी हॉस्पिटल जाने का। साथ ही साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी वहीं पे रहते हैं, हमारी चाची भी, हमारे चाचा भी सब वहीं पे ही काम करते हैं। और
बाकी नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बस यही बात थी। आगे मेरे हस्बैंड हमको लेके गए, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बाकी क्या बोले हमको नहीं पता। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में।